अस्सलाम वालेकुम। आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? अपनी सेहत का ख्याल रखे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखे हैं, सारे प्रिकॉशंस लें ताकि आप बीमार ना पड़े। खामखा आप बीमार पड़ेंगे तो और कितने लोग बीमार पड़ेंगे आपकी वजह से। बात का ख्याल रखते हुए आप मास्क पहन के निकलेंगे। खैर, ये तो प्रिकॉशंस आपको पता ही हैं जो आपको करने चाहिए। और आज नया लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने जरूरी समझा कि थोड़ा बहुत आपको रिमाइंड कर दिया जाए कि मतलब, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो इन बातों का ख्याल नहीं रखते, इसलिए जो है वो थोड़ा सा रिमाइंडर। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, टाइप्स ऑफ न्यूज। जब आपको मतलब कोर्स आउटलाइन दिया गया था, तो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के कोर्स में भी हमें और न्यूज़ राइटिंग के कोर्स में भी हमें टाइप्स ऑफ न्यूज़ बतानी है। कुछ टॉपिक्स कॉमन है, क्योंकि प्रैक्टिकल जर्नलिज्म में भी ये है कि आपको थोड़े बहुत जर्नलिज्म सिखा दी जाती है कि भाई आप पेन पेंसिल ले करके थोड़ा बहुत थोड़ा सा आपको आगाही हो, खासतौर से न्यूज़ कोर्स वगैरह के लिए। अच्छा, एक बात, एक कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, एक हमारे स्टूडेंट है एम्स में, तो वो एक दिन जो है वो शायद ग्रेजुएट होने के बाद, कई दिनों बाद, वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, वो क्या आ करके उन्होंने ये कहा कि, और हमको परेशान भी किया और हैरान भी किया, और आकर के कहने लगे कि भाई आपने तो बताया नहीं हमें कि यूडी लिखना होता है, यूडी लिखना होता है। एक बात याद रखिए, ये लेक्चर जो मैं दे रहा हूँ इस वक्त या इस सेमेस्टर में, प्रैक्टिकल जर्नलिज्म वालों को भी और न्यूज राइटिंग वालों को, वो न्यूज राइटिंग के मुताल्लिक है। वो देखिए, अखबार में तीन चार टाइप की राइटिंग होती है, तीन चार हवालों से लोग लिखते हैं आर्टिकल्स, बल्कि तीन चार किस्में क्या है, ज्यादा किस्में किस्में भी हो सकती है, मगर बेसिकली तीन चार इसमें हैं जिसमें कि राइटिंग लिखी जा सकती है या राइटिंग की जा सकती है और उनको पब्लिश किया जाता है, और ये मुख्तलिफ राइटिंग समझी जाती है। जैसे कमेंट लिखना अलग बात है, कमेंट कमेंट कुछ और, इसमें आदमी अपनी आरा लिख तो राय लिखते हैं, योर ओन व्यूज, कमेंट ऑन थिंग्स, यू कमेंट ऑन इवेंट्स। न्यूज न्यूज राइटिंग एक डिफरेंट चीज है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कि मतलब ये कि इस कोर्स का मतलब ये नहीं कि मैं तमाम टाइप की राइटिंग सिखा दूंगा आपको, मैं न्यूज राइटिंग सिखाऊंगा इस कोर्स में या प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के कोर्स में, न्यूज राइटिंग में और प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के कोर्स में हम न्यूज के साथ, न्यूज की को डील कर रहे हैं, न्यूज राइटिंग को डील कर रहे हैं, हम कमेंट को नहीं डील करते, एनालिसिस को नहीं डील करते, एनालिसिस कैसे लिखी जाएगी, तो और बहुत सी चीज, तो एक तो कंफ्यूजन ये होनी चाहिए, आप कंफ्यूजन ये वाली दूर होनी चाहिए सर। और दूसरी बात यह है कि जब न्यूज में हम बात करते हैं, तो खासतौर से अगर अखबार अखबार उठाएं आप, तो 24 पेज का अगर अखबार होगा तो उसमें बमुश्किल 2 पेज ऐसे होते हैं जिसमें के कमेंट और व्यूज होते हैं, बाकी जो है वो 20-22 पेज जो है ना न्यूज आइटम्स के ऊपर होते हैं, न्यूज राइटिंग के ऊपर। जो 2 पेज हैं जहां पे कि कमेंट लिखा जाता है या एनालिसिस लिखा जाता है, वो एडिटोरियल एंड एडिटोरियल के ऑपोजिट एक पेज होता है ऑप एड, वो ये 2 पेजेस हैं जिसमें कि आप जो है वो कमेंट देखते हैं, व्यूज देखते हैं, यानी मशहूर राइटर्स का अपना व्यू क्या है मुख्तलिफ वाकयात के बारे में वो लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सहाफी जो है उसको न्यूट्रल होना चाहिए, खासतौर से रिपोर्टर को न्यूट्रल होना चाहिए। हालांकि सहाफी जो है वो तो हर सहाफी की अपनी राय है, अपनी पसंदगी है, अपनी आपके पसंद है नापसंद है। अच्छा, तो हम यहाँ पे इन कोर्सेज में, ये जो प्रैक्टिकल जर्नलिज्म का कोर्स है या न्यूज राइटिंग का कोर्स है, इसमें हम न्यूज के, न्यूज राइटिंग के बारे में बात करते हैं, फीचर राइटिंग की बात नहीं होती और कमेंट राइटिंग की बात नहीं होती, एनालिसिस भी नहीं लिखे लिखे जा रहे हैं। सो ये जो वो है वो आपको आइंदा आने वाले सेमेस्टर्स में लोग पढ़ाएंगे, मैं भी वो पढ़ा सकता हूँ या कोई और साहब भी। एक तो बात ये होगी, दूसरी बात है कि आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ न्यूज, कि न्यूज के अंदर कितनी टाइप है।
तरह से न्यूज़, यानी न्यूज़ को, न्यूज़ के क्लासिफिकेशंस क्या हैं, मुख्तलिफ वो क्या है, मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ की बेसिकली दो किस्में, ठीक है, उसके ऊपर आज ये लेक्चर हम दे रहे हैं। और प्लीज, मुश्किल लेक्चर नहीं है कि न्यूज़ राइटिंग की है, और या प्रैक्टिकल जर्नलिज्म के जितने भी लेक्चर हैं बहुत ही आसान है, कॉमन सेंस है बिल्कुल। जर्नलिज्म तो है कॉमन सेंस, मगर सवाल सिर्फ बात यह है कि सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इन चीज़ों, जो कि मुश्किल होता है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और वो मुख्तलिफ वजूहात हैं, जब आप फील्ड में आएंगे मोस्टली तो आपकी समझ में आएगा कि किन वजूहात से ये इस तरह की चीज़ें जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं। मगर आपको थियरी समझना जरूरी है। बिफोर यू अंडरस्टैंड वॉट इज सिन एंड वॉट इज सिनिंग एंड बिफोर सिन यू शुड नो के कुरान शरीफ ने क्या बताया है, बाइबल ने क्या बताया। कुरान शरीफ को आप समझ लेंगे, कहने का मतलब ये है कि बेसिक जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे, तब आपको पता होगा कि प्रिंसिपल्स की वायलेशन कहाँ हो रही है। जब आपको प्रिंसिपल्स ही नहीं पता होगा तो वायलेशन का क्या पता चलेगा, तो कौन सी चीज, जो भी चीज आप देखेंगे आप वही उसको साहबत समझने लगे। तो बेसिक प्रिंसिपल्स उसको समझ लें, और इसी को कहते हैं बाइबल या कुरान शरीफ। कुरान शरीफ को समझेंगे तो पता चलेगा कि गुनाह किसको कहते हैं, ठीक है। जब कुरान शरीफ की मुखालफत होगी या कुरान शरीफ को फॉलो नहीं किया जाएगा तो गुनाह होगा, इसको इस तरह समझना। तो बेसिक प्रिंसिपल्स, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई क्लासों में ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो बेसिक प्रिंसिपल को समझने से पहले इश्यूज को समझने की कोशिश करते हैं और कॉन्ट्रोवर्सीज को समझते हैं। कॉन्ट्रोवर्सीज आप बाद में समझें, पहले अपने सर झुका के पहले ये समझें कि जर्नलिज्म है क्या। जब जर्नलिज्म आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर आपको समझ में आएगा कि जर्नलिज्म के वायलेशंस क्या है। तो टाइप्स ऑफ न्यूज है ये, न्यू फीचर राइटिंग हम दूसरे लेक्चर्स में सीखेंगे, दूसरे कोर्सेज में सीखेंगे। फीचर राइटिंग, कॉलम राइटिंग, एनालिसिस राइटिंग, ये दूसरे फीचर में, दूसरे कोर्सेज में हम सकते हैं। ये सिर्फ न्यूज बात हो रही है, न्यूज राइटिंग की बात हो रही है, और न्यूज राइटिंग में टाइप्स ऑफ न्यूज की बात हो रही है। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूज, क्या है भाई, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट न्यूज, ठीक है। तो इसमें है एक हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। सवाल ये पैदा होता है कि जब ये उर्दू में लिखने आएंगे तो आप हार्ड न्यूज लिखेंगे या आप सख्त न्यूज लिखेंगे। तो मुनासिब यही है कि आप, अगर ये कोर्स आप उर्दू में अटेम्प्ट कर रही हैं, और मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहिए, कर सकते हैं, ना सिर्फ ये कि कर सकते हैं मगर बहुत इट मेक सेंस दैट यू शुड अटेम्प्ट दिस कोर्स इन उर्दू, बिकॉज 90-95% ऑर्गेनाइजेशंस डील इन उर्दू। अंग्रेजी स्क्रिप्ट जो है वो बहुत कम लोगों में लिखी जा रही है, और वो सिर्फ दो चार में लिख सकता है। तो अगर उर्दू में लिखेंगे, इसके ऊपर सवाल आ जाएगा, तो उर्दू में हार्ड न्यूज ही लिखेंगे और सॉफ्ट न्यूज लिखेंगे, सख्त न्यूज और नर्म न्यूज नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। और ये आमतौर पर टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता, यानी उर्दू की टेक्स्ट बुक्स मैंने जो नसीम मिजाजी साहब की हो या वो जो अहमद नसीम संदेलवी साहब की है, उसमें ये सब चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। ये आपको कॉन्सेप्ट लेक्चर से ही समझना होगा और उसको नोट करना। तो हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, इनमें बुनियादी फर्क दो, मतलब दो न्यूज के टाइप्स हैं, एक का नाम है हार्ड न्यूज, एक अच्छा। अब हार्ड न्यूज से, हार्ड न्यूज कैसे, हार्ड न्यूज के क्यों कहलाता है, हार्ड न्यूज क्यों कहलाता है। देखिए ये दोनों, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज, इसमें क्लासिफिकेशन के दो पैमाने या दो तरीकों से क्लासिफाई किया जाता है, एक दूसरे से अलग किया जाता है। ये हार्ड न्यूज है, ये समझने के लिए हमको दो दो कॉन्सेप्ट समझने होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है इमीडिएसी का, अर्जेंसी का, कि कौन सी खबर ऐसी है जो रोकी नहीं जा सकती, जिसको फौरन छापना है, फौरन ब्रेक करना है, फौरन
मतलब उसी दिन उस पर खबर लिखनी है. इट कैन नॉट वेट, यू कैन नॉट लीव इट फॉर नेक्स्ट डे. तो ये खबर हो जाती है अर्जेंट. तो यहां तक होता है कि जब कंपटीशन होता है न्यूज एजेंसीज के बीच में, तो वो उसको फौरन, वो जो रिपोर्टर है न्यूज राइटिंग का मामूर, उसको जो है ना वो एकदम बहुत पड़ जाती है, या उसकी उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर न्यूज एजेंसी का है वो, तो ये खबर जो है वो जो कि उसको फौरन आपने लिखना है, उसको फौरन उस पर एक डिस्पैच भेजना है, उसके उसको जो है ना वो एक लाइन लिख करके भेज देगा, जो इमीडिएट खबर है, जो कि बाई ट्रेनिंग उसको समझाया गया है कि ये चीजें जो है ना इमीडिएटली चाहिए. और वो सीधा सीधा ये है, कॉमन सेंस का हिसाब है कि जो चीज आप इम्पोर्टेंट समझें और जिसको के दूसरे एजेंसी वाले जल्दी लिख भेजेंगे, उससे पहले आप लिख करके अपने हेडक्वार्टर को भेज दें, ये हो गई अर्जेंट चीजें. और कम से कम हार्ड न्यूज, तो हार्ड न्यूज ये हो गया कि जो ऐसी खबरें हैं जिसमें कि अर्जेंसी है, कम से कम इतनी अर्जेंसी जरूर है कि आप उसको कल के लिए नहीं रख छोड़े, आपको आज ही उसको भुगतना रहेगा, यानी उसके ऊपर खबर आज लिखनी है. नहीं लिखेंगे तो दूसरे अखबार लिख लेंगे, और दूसरे अखबार जब लिख लेंगे तो अगले दिन आपका एडिटर नहीं लिख उसको कैरी नहीं करेगा. आप मिसाल के तौर पे इमरान खान की कोई स्पीच होती है हैदराबाद, ठीक है, वो अचानक उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर लिया और प्राइम मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर में जहाज में हैदराबाद पहुंच के उन्होंने बहुत ऐलान किया, कोई मॉडल ले रहा, उन्होंने कहा कि भाई हम हैदराबाद में जो उनके पीटीआई के कारकुन है, मिसाल के तौर पे वो एफपीए है, ठीक है, हम पीटीआई में या जीडीए के जो उनके एलआई है यही के, बहरहाल वो कहते हैं कि एक उनका मेंबर है पीटीआई का जो कि हैदराबाद से जीता हुआ था और प्रोविंशियल असेंबली में था और नेशनल असेंबली में भी एक साथ जीते हुए हैं, हैदराबाद से ही है और पीटीआई के हैं, एक एमपी है और एक एमएनए, एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, एक मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, ये दोनों रिजाइन कर देंगे और इन दोनों सीटों पर दोबारा इलेक्शन होगा. ये तो अर्जेंट इमीडिएट खबर बन जाए, इसमें हर कोई चाहेगा कंपीट करे, हर अखबार जो है वो कहेगा कि हमने सबसे पहले इसको रिपोर्ट किया. तो ये तो हो गई हार्ड न्यूज. अच्छा, अखबार में हर इदारा यानी न्यूज न्यूज चैनल उसको फौरन पेश करना चाहेगा, वो मतलब ये कि अब जो अगला बुलेटिन आएगा टेलीविजन और रेडियो वाले इस कोशिश में होंगे कि ये अगला बुलेटिन है अगले घंटे का, मिसाल के तौर पे वो ऐलान करते हैं 12:30 दिन में, तो 1 बजे के बुलेटिन में जरूर शामिल हो जाए, बल्कि अभी अभी जो है लाइव, अगर हो सके तो अभी लाइव टेलीकास्ट करते रिपोर्ट कि भाई ये इमरान खान साहब नहीं. तो ये होती चीजें वो जिसमें कि अर्जेंसी है, ये क्योंकि ऐलान है और उसमें ये है कि इसमें एक डेवलपमेंट ये है कि भाई दोबारा इलेक्शन हो गए, उनके लोगों को जो है ना उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया, पीटीआई के मेंबर जो एस एस एमडी के थे हैदराबाद से और पीटीआई के मेंबर जो प्रोविंशियल असेंबली के थे हैदराबाद से, उन दोनों ने रिजाइन कर दिया, उन दोनों सीटों का इलेक्शन. और अगर इलेक्शन दोबारा होंगे तो इसका मतलब यह है कि सबको जल्द से जल्द बताने की जरूरत है, इवन पीपल्स पार्टी को भी शायद नहीं पता है कि भाई सीट खाली हो रही है, उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा पीटीआई के खिलाफ, तमाम मुल्क के जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको 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 मौका उनके सामने मौका एक आ रहा है जिसमें कि वो पीटीआई के समर्थन करेंगे और आपस में, तो ये फौरन से फौरन कवर होने वाली बात है. अच्छा, अब मगर अखबार में तो हर घंटा आवर बाय आवर तो रिपोर्ट आती थी, एज अपोज टू न्यूज चैनल जिनके 24 बुलेटिन होते हैं, अखबार का तो एक ही इश्यू होता है भाई, एक एडिशन हर इलाके में एक ही एडिशन जाएगा ना भाई. तो कराची कराची जैसे शहर में 2 एडिशन तो नहीं भेजेंगे वो, तो 24 घंटे में एक
एक प्रिंट, एक दफा प्रिंट होती है खबरें, तो एक एडिशन होता है। अब वो जो है उनके लिए ये उनकी अर्जेंसी का मामला ये है कि उनके लिए तो ठीक है, चलो 12 बजे 12:30 बजे रिपोर्ट हुई, और उनके पास तकरीबन 12 घंटे हैं उसमें कि वो रात 12 बजे तक उनकी डेडलाइन है, तो वो तकरीबन या 10 घंटे तो है अगर डेडलाइन रात की 10 बजे की रिपोर्टर के लिए, अगर रिपोर्टर डेडलाइन 10 बजे की है तो उसके पास यही है 10 घंटे या 9 घंटे जिसमें कि वो फाइल कर सकता है। 9 घंटे इज इनफ टाइम, 9 आवर्स प्रिटी गुड टाइम, उसमें आप जितनी भी इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं करें, लिखने में तो 1 घंटा ही लगेगा, बल्कि उससे भी हो सकता है कम लगे, मगर ये कि अगर आप बहुत अच्छे राइटर नहीं है और फ्लुएंट नहीं है तो चलो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लग जाएंगे, तो 7 घंटे रिसर्च करने के लिए मौजूद है। तो मगर ये खबर आज यानी कल सुबह जो अखबार आएगा उसमें होनी चाहिए, अगर किसी वजह से उसमें नहीं हो सकी इंक्लूड हो सका, नहीं आज के अखबार में आपका रिपोर्टर या तो छुट्टी पे था, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, छुट्टी पे था और आपने कहीं एजेंसी वेजेंसी से नहीं लिया, किसी या तो किसी दूसरे रिपोर्टर को नहीं लगाया कि कहीं खबर लिख करके दो, हैदराबाद में सिर्फ एक रिपोर्टर था आपका जो कि बीमार था, और आपने एबीपी से भी एजेंसी से भी नहीं खबर लेनी चाहिए और ना पीपीआई से ली या भूल गए, तो अगले दिन अगर ये खबर नहीं लगी तो फिर ये नहीं लग सकेगी कभी भी, क्योंकि अगले दिन तमाम अखबार लगा चुकेंगे। अगर डॉन से मिस हो गई है अगले दिन भी, अगले दिन अगर ये खबर मिस हो गई डॉन से तो परसों डॉन नहीं लगा, क्योंकि परसों अगर वो लगाने बैठेंगे तो ये होगा कि भाई एक दिन तो पहले छप गया था जंग में, एक दिन पहले छप गया सब जगह, तो अगर आप छापेंगे तो वो कॉपी लगेगी कि आप कॉपी कर रहे हैं दूसरों, इसी वजह से डॉन के अखबार के लिए मुनासिब नहीं है कि आज की खबर वो अगले दिन दे। तो अगर आज आपके रिपोर्टर आज आपका रिपोर्टर बीमार है तो आप किसी और से लिखवाएं और उसको शामिल करें जरूर, इसलिए अर्जेंसी है, इसलिए ये खबर रुक नहीं सकती कहीं भी, आपको कुछ भी करने आप कहीं से भी उसको एजेंसी से लें या किसी और अखबार से लें या टेलीविजन को कोट करें, कुछ भी करें, आपको वो खबर आज के आज छापनी है, इसको कहते हैं हार्ड न्यूज, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड न्यूज कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सब ए रिपोर्ट विच इज बाय नेचर कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड विच हैज टू बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट बुलेटिन व्हेन एवर इट इज, समझ। ए न्यूज रिपोर्ट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड देयर फोर मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट बुलेटिन, चाहे वो आज का अखबार हो यानी कल सुबह आने वाला अखबार हो या अगले घंटे में जो न्यूज बुलेटिन शामिल होगी, न्यूज बुलेटिन टेलीकास्ट होगा हमारे न्यूज चैनल से, अगर मैं न्यूज चैनल में हूँ तो मेरी फिक्र ये होनी चाहिए कि भाई ये खबर जरूरी शामिल कर ली जाए नेक्स्ट बुलेटिन, और अगर अभी ब्रेकिंग न्यूज नहीं दे रहे हैं तो मतलब कम से कम ऑन टॉप ऑफ द आवर जो है ना वो तो आप चलाएं ना, 12:30 बजे अगर उन्होंने ये बात कही है तो 1 बजे के खबरों में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अखबार के लिए अगले दिन के अखबार में जरूर होनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन के अखबार में नहीं हुआ तो फिर नहीं कभी भी नहीं ले सकेगा ये खबर, इन मानों में, जिन मानों में बयान किया गया कि हैदराबाद में अगर वो दोबारा कभी और कोई किसी तकरीर में इसी बात को दोहराते हैं तब तो दोबारा तो कवर हो सकता, मगर हैदराबाद में बात करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया कि एमपीए हैदराबाद के पीटीआई के एमपीए और पीटीआई के एमएनए रिजाइन कर रहे हैं, सीटें खाली हो रही हैं और इलेक्शन हो जाए, इन मानों में हैदराबाद में बात करते हुए इमरान खान ने ऐलान किया कि
उनके पीटीआई मेंबरान प्रोविंशियल और कौमी असेंबली के हैं जो कि हैदराबाद से मुंतखब हुए थे वो रिजाइन करेंगे और इन चीजों पे दो चीजों पर मुकाबला होगा। इन मानों में इन अल्फाज के साथ ये खबर अगर आज के अखबार में आपने ले ली है और कल सुबह आ जाती है अखबार में तब तो ठीक, परसों नहीं ले सकते, इसलिए इसको कहते हैं हार्ड न्यूज। तो ये तो एक डेफिनेशन हो गया हार्ड न्यूज। ए न्यूज रिपोर्ट विच कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड मस्ट बी इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट बुलेटिन विच विल be telecast in the next hour in case of television and the next day in case of newspapers. तो ये तो हो गई हार्ड न्यूज, एक डेफिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया हार्ड न्यूज। ऑब्वियसली वो खबरें जिनको के आप कई दिनों के बाद भी इस्तेमाल कर सकेंगे इसी डेफिनेशन के तहत, जिनको कई दिनों के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीज मुमताज करती है, कौन सी चीज आज लेना जरूरी है, कौन सी चीज आज लेना जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसमें जब आप WDRH पढ़ते हैं तो WDRH में आप पढ़ते हैं कि कोई हमारे बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि कोई वाकया कब हुआ, उसको कहते हैं वेन। बहुत सारे W's हैं हमारे न्यूज राइटिंग में, कॉन्सेप्ट है कि 5 W's और 1 H जरूरी होना चाहिए अखबार की खबर को मुकम्मल बनाने के लिए। तो अखबार की खबर मुकम्मल उस वक्त तक नहीं होती जब तक कि W's और H ना हो। और वो W's और H क्या है, या उर्दू में उसको 6 काफ कहते हैं। तो जब हम W's और H पढ़ाएंगे तो आप समझ लेंगे, मगर अभी मैं तब तक समझ बता सकता हूँ कि उसका मतलब क्या है। उसका मतलब ये है कि कौन कब, यानी ये वाक्य कब हुआ, कौन इसका इसका मेन किरदार कौन है, और कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो इन सब सवालात के जवाब मौजूद होने चाहिए आपके लिए। कि कोई वाक्य है क्या, यानी हम ये खबर क्यों दे रहे हैं, ये खबर है किस बारे में, ये हुआ क्या, कौन कौन का मतलब ये हुआ कि इसका मेन कैरेक्टर कौन है, या इसमें जो बात कही है वो किसने कही है, बयान पे अगर मबनी है ये खबर तो किसने बयान दिए है, इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल साहब, कौन से लोग, कौन। उसके बाद क्या हुआ वो तो पहला स्टेप है कि वाकया है क्या, और कब हुआ ये वाकया, फ्राइडे को हुआ, सैटरडे को हुआ, संडे को हुआ, ये चीज। उसके बाद कैसे हुआ और क्यों हुआ। तो ये इन सब चीजों में ये जो 6 काफ हैं, या अंग्रेजी में कहते हैं W's एंड 1 H, 5 W's एंड 1 H, तो when where what who why and how, 6 एलिमेंट्स हैं इसमें। जो एलिमेंट ये डिटरमिन करने के लिए कि ये हार्ड न्यूज है सॉफ्ट न्यूज है, उसमें जो है W का वो एलिमेंट जो इसको वैन कहते हैं, वैन इज इम्पोर्टेंट। तो वैन अगर आप खबर को थोड़ी देर के लिए देखें, आप जब ये फैसला कर रहे हैं कि ये हार्ड न्यूज है सॉफ्ट न्यूज है, वैसे तो ये है कि साहब भी जब प्रैक्टिस में आते हैं और आप भी जब फील्ड में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको कहने सुनने की जरूरत नहीं होगी, आपको जो है ना वो आपके सबकॉन्शियस में पता होगा कि हार्ड न्यूज है कि सॉफ्ट। आप आदमी इतना ट्रेन हो जाता है। तो ऐसी खबर मैं अभी, क्योंकि हम उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप जो है ट्विटर से पढ़ेंगे, फील्ड में जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने दोस्तों से सीखेंगे, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो आप बहुत सारी चीजें जो ना अनगहे अंदाज में सीखते चले जाते हैं। वहाँ कोई ट्रेनिंग तो नहीं दे रहा हूँ ऑफिस में, मगर वो नॉर्मली जिस तरह से चीजों को किया जाता है उसी से आदमी को थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाता है कि भाई ये इस तरह से करना है, इस तरह से नहीं करना। तो
वहां आप ये देखेंगे कि जहां पे वेन आप निकाल लें, वेन निकाल लें और निकाल लें और स्टोरी पे ज्यादा फर्क ना पड़े। इसका मतलब है खबर में इमीडिएसी नहीं है, अर्जेंसी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है ना, हैदराबाद में ऐलान किया, जो हम इनिशियल एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने हैदराबाद में ऐलान किया कि उनके एमएनए और एमपीए रिजाइन कर रहे हैं। इस खबर से अगर हम बात करें, इस खबर के ऊपर बात करें, तो इसका मतलब ये होगा अगर वैन आप न दे सके तो इसमें मतलब अगर वैन न दें तो कंप्लेंट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो वैन इस खबर में इम्पोर्टेंट है कि आपको पिन पॉइंट करना है कि हैदराबाद कब गए थे इमरान खान और हैदराबाद में कब उन्होंने ये वाला है। मगर मिसाल के तौर पे अगर किसी सर्वे की बात हो रही है और वो सर्वे इस बारे में है कि अमेरिका के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ रहा है या हिजाब का हिजाब नकाब सॉरी हिजाब को नकाब का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो इसमें ना वैन इम्पोर्टेंट नहीं रहता। पहली खबर में तो आपको जानना जरूरी है कि ये इन्होंने ऐलान कब किया, या मिसाल के तौर पे कोई जजमेंट आता है कोर्ट का तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई 18 तारीख को ये जजमेंट आया था, आइंदा किसी मतलब आइंदा किसी मामले में वो डेट रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें गए मिसाल के तौर पर जस्टिस काजी फाइजी साहब के बारे में जो रेफरेंस था उसको क्वाश कर दिया गया, तो वो जनाब कब आया था, तो उसमें डेट डेट के साथ बताना जरूरी होगा कि जून 18 की या जून 19 की। और उसमें से अगर दिन निकाल दें तो ठीक है, स्टोरी तो गिरेगी नहीं तमाम से, मगर ये कि ये जरूर होगा कि एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है उसे निकल गया। और ये कि वो जो पढ़ने वाला है वो हो सकता है वो चीखे चिंगाड़े अंदर अंदर गुस्सा खाए कि कमाल है, इस खबर में लिखा ही कुछ नहीं है कि ये वैन है, ये वाकई ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट कब दी है, कल दी थी कि परसों दी थी, अखबार पढ़ने वाला लीडर कहेगा। तो वहां पे वैन इम्पोर्टेंट हो जाता है। मगर अगर मिसाल के तौर पर बात इस बारे में हो रही है कि अमरीका के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ रहा है पाकिस्तानी, तो वो जुमा हो हफ्ता हो इतवार हो अगर उसमें कोई दिन मेंशन नहीं है तो कोई आदमी कोई लीडर आपसे सवाल ना करेगा कि ये जो है ना आप मंडे को गम गुस्सा पड़ गया था या इतवार को, बल्कि आप ये कहेंगे कि अब हम खबर भी आपकी सुनाइयत की है कि जिसका के सारे इम्कान ये है कि उसकी वर्डिंग यही होगी कि भाई एक एक रिसेंट सर्वे के मुताबिक अमरीका के खिलाफ पाकिस्तानियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, या ये कि हिजाब का इस्तेमाल औरतों में आम हो रहा है, पहले के मुकाबले में ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। एक सर्वे हुआ था पिछले साल, उसमें जो है वो पता चला था कि 63% औरतें हिजाब इस्तेमाल करती हैं और अब जो है पता चला कि 75 करती हैं 75%। तो इससे हमने अक्स किया कि हिजाब का इस्तेमाल बढ़ रहा है पाकिस्तानी खवातीन में। अच्छा, ये इस खबर में वैन इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये जो है ना जो हिजाब इस्तेमाल करने का ये फैशन इस ट्रेंड का इजाफा फ्राइडे को हुआ था या सैटरडे को हुआ था। हाँ, सर्वे का रिजल्ट आप कह सकते हैं कि भाई फ्राइडे को आया था या फला दिन को आया था, मगर सर्वे तो उसमें सर्वे में ये नहीं है, सर्वे में ये है कि भाई पिछले साल एक सर्वे हुआ था, एक सर्वे आज हुआ है या इस हफ्ते हुआ है। तो उससे जो है अक्स किया जाए, दोनों का डिफरेंस निकाला गया तो पता चला कि इस्तेमाल बढ़ गया है हिजाब का, तो इसमें वैन इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आमतौर पे ये जो चीजें है ना कि ये अमेरिका में बहुत होता है,
अमेरिका में ये साइंस को इतना वो मकबूल कर लिया गया है कि वो कहते हैं कि भाई वो प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट की रेटिंग जो है, प्रेसिडेंट की रेटिंग जो है इस वक्त जो है वो अपने बुलंदतरीन सतह पे। तो ये अमेरिका में ये इसको कहते हैं पोल्स, और वो पॉपुलैरिटी पोल्स जो है ना वो प्रेसिडेंट के भी लेते रहते हैं वो, और वो उससे कंपेयर करते रहते हैं कि भाई हर थोड़े दिन बाद वो कंपेयर करते हैं कि भाई पहले तो इतने मशहूर थे, इतने फीसद लोग उनकी 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 परफॉर्मेंस से मुतासिर थे और तारीफ करते थे, अब जो है वो तादाद घट गई है। जैसे रिसेंट एग्जाम्पल एक ये है कि भाई अमरीका में ये जो नस्ली इम्तियाज के ऊपर जो ये प्रोटेस्ट हुए, इसके बाद और जो कुछ पुलिस ने हरकतें की है, पॉपुलैरिटी तब की कम हो रही है। तो इस किस्म के जो सर्वे है इसमें जो है ना ये पॉपुलैरिटी, ये नहीं कहते हैं कि भाई पॉपुलैरिटी फ्राइडे को कम हो गई थी, ये सैटरडे को कम हो गई थी। उसी तरह से हिजाब का जो इस्तेमाल है उसमें जो है ना इजाफा जो है ना सैटरडे को हो गया था या संडे को हो गया, ऐसा ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ओवर द ईयर ओवर रीसेंट टाइम्स में जो कि मतलब अभी जो है मौजूदा 2-3 महीनों में लगभग इस्तेमाल बढ़ गया हिजाब का, या 6 महीने में, 1 साल में, एक सर्वे पिछले साल हुआ था, एक सर्वे आज हुआ था, तो 1 साल के मुख्तलिफ सर्वे के एक जो दो सर्वे जो कि 1 साल के वक्फे के बाद हुए, उसके जरिए अंदाजा हुआ कि भाई हिजाब का इस्तेमाल बढ़ गया, उस तरह की कोई वर्डिंग होगी ना उसमें। ये तो कहने का मतलब ये है कि बॉटम लाइन मतलब ये है कि जहां पे जिस खबर में वैन इम्पोर्टेंट ना हो, अर्जेंसी जिसमें ना हो, जो खबर फौरन फौरन में लेने की जरूरत नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मेरा अखबार भरा पड़ा है, मेरे पास बहुत सारे ऐड हैं और उसके बाद मेरे पास जगह नहीं मिल रही है, खबरों की जगह ही नहीं है, ऐड बहुत आ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास जो है ना बहुत थोड़ी सी जगह है, उसमें जो है ना जब सारी इंपॉर्टेंट जगह भर गई इंपॉर्टेंट खबरों के लिए, तो फिर मैं कह सकता हूं कि भाई अमेरिका के खिलाफ हम गुस्सा बढ़ गया है, कल लगाएंगे, या हिजाब का इस्तेमाल बढ़ गया है खवातीन में, ये आज जगह नहीं मिली तो कल लगा लेंगे, कल नहीं जगह मिलेगी तो परसों लगा लेंगे, है ना। और न्यूज एडिटर्स कुछ जो है ना, और न्यूज एडिटर और सब एडिटर्स ऐसी खबरों को पसंद करते हैं कि वो ठीक है ड्रॉअर में रखी रहे, जब भी जगह खाली नजर आएगी, जब बहुत ज्यादा स्पेस होगी और जब एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल नहीं होगा और खबरों का भी काल होगा, तो फिर उस वक्त जो है ना ये काम आएगी। तो ये ऐसी चीजें जो कि शेल्फ शेल्फ में रखी रहे, क्यों समझ गए, और जिसमें अर्जेंसी ना हो, एक तो ये हो गया। तो अगली स्लाइड भी देख लें, इसमें इसी चीज को एलेबरेट किया है इस स्लाइड में, तो ये है कि मोस्टली बेस्ड ऑन इवेंट्स, ऐसी चीजें जिनका के दिन से कोई ताल्लुक है, इवेंट के ऊपर मुनासिब है। अब अमेरिका के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ रहा है या ये कि हिजाब का इस्तेमाल बढ़ रहा है, ये तो किसी इवेंट से मुताल्लिक नहीं है ना, किसी वाकये से जुड़ा हुआ नहीं। हाँ, इमरान खान ने जो ऐलान किया था कि भाई वो MNA और MP हमारे रिजाइन कर रहे हैं, वो किसी वाकये से जुड़ा हुआ था कि जब इमरान खान हैदराबाद गए हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से वगैरह वगैरह, तो वहां उन्होंने एक ऐलान में कहा, तो ये वाकये से जुड़ा हुआ है ना। सो ये हार्ड न्यूज मोस्टली बेस्ड ऑन इवेंट्स से मुतालिक है, अर्जेंसी इमीडिएसी अटैच टू द रिपोर्ट रिलेटेड टू। अच्छा, ये तो ये दो आपके हार्ड न्यूज के वो, अब सॉफ्ट न्यूज के एग्जाम्पल बता दूंगा। कंसिडरेबल शेल्फ लाइफ बिकॉज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इवेंट, किसी एक पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड नहीं है, इट इज नॉट अबाउट ए पर्टिकुलर इवेंट।
ये तो सर्वे यानी मतलब ये क्या हिजाब की बात जो है, हिजाब हिजाब तो किसी इवेंट से मुतालिक क्या होता है, हिजाब की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, ये तो एक ऐसा मामला है कि इसकी ना तो किसी जगह से कोई ताल्लुक है, ना कोई इसका किसी दिन से पर्टिकुलर दिन से ताल्लुक है, ना ही किसी शख्स से भी ताल्लुक है। इमरान खान की खबर का कम से कम इमरान खान से तो ख्याल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक। तो हार्ड न्यूज में ये चीजें होती हैं कि किसी आदमी के बारे में होगी मुतालिक होगी, या किसी शख्स के बारे में, सॉरी किसी आदमी के बारे में होगी वो तो ठीक है, इसके अलावा किसी इवेंट से मुतालिक होगी। तो इसमें तो जरूरी नहीं कि आदमी से भी मुतालिक हो, ये तो जनरल ग्रुप की बात होगी, ग्रुप में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अमरीका के खिलाफ नफरत हो रही है, बढ़ रही है, या हिजाब पॉपुलर हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में भी नहीं है। और वैन के बारे में, वैन की तो उसमें गुंजाइश मतलब जरूरत नहीं है वैन लिखने की। हाँ आप ये लिख सकते हैं कि सर्वे का रिजल्ट आ जाए तो दिन मेंशन हो जाता है, अगर करना चाहें तो कर दें, ना करना चाहें तो ना करें। भाई रिसेंट सर्वे है, फला फला कंपनी ने किया है, और वो जरूर उसको ऑथेंटिक अंदाज में बात करना। सर्वे जो है ना, सर्वे से पूछा ऑर्गेनाइजेशन का लेना चाहिए जो कि रेप्यूटेबल हो। अगर रेप्यूटेबल सर्वे वगैरह नहीं होगा तो फिर आपका व्यापार की आपके व्यापार की क्रेडिबिलिटी जाती है। तो आप ऑब्वियसली वो सर्वे जो है ना, वो हर एले मेले नत्थु एले का नहीं होगा, अच्छे लोगों का, क्रेडिबल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का, यानी जो वाकई जिन पे भरोसा किया जाता है, वो नाम आप देख सकते हैं। एक वो प्यू रिसर्च है अमेरिका में, वो करता है, फिर इंडिया में एक दो वो है, हमारे यहाँ गैलप पाकिस्तान है, मगर वो भी बहुत ज़्यादा क्रेडिबल तो नहीं है, मगर ये कि हाँ कुछ अखबार उनको क्रेडिबल मानते हैं, गैलप पाकिस्तान में सर्वे आते रहते हैं, या फिर अखबार अपना सर्वे करें। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस बिटवीन हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ का मामला जो ना वैन से मुताल है। तो अगर अगर तो खबर में वैन जो है रीढ़ की हड्डी रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मेंशन करना जरूरी है, और खबर को उसी दिन लगाना होगा, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको 2 दिन के बाद नहीं लगा सकते, तब खबर हार्ड है। अगर लगा सकते हैं तो खबर सॉफ्ट है, 2 दिन बाद लगा देंगे खबर सॉफ्ट है, ठीक है, इमीडिएसी नहीं है, किसी खास शख्स से मुताल्लिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उसको उसको भूल जाए, मगर वैन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैन जो है, अगर आप वैन लिखे बगैर गुजारा कर रहे हैं तो ये सॉफ्ट न्यूज है, वरना हार्ड न्यूज है। अब पीछे की तरफ आए तो अब एक और, ये तो एक तरीका हुआ कैटेगराइज करना, फॉर्मलाइज करना, कैटेगराइज करना, अंदाजा करना कि भाई व्हाट व्हाट इज हार्ड न्यूज एंड व्हाट सॉफ्ट न्यूज। ये तो एक इमीडिएसी और अर्जेंसी का मेयार है, या वो क्राइटेरियन है कि जिसके कि आप तय करते हैं कि ये इमीडिएटली इसको कवर करना चाहिए या इग्नोर किया जा सकता है, 2 दिन बाद भी लग सकती है खबर, और खबर भी कोई नुकसान नहीं होगा इन 2 दिनों में, तब ये सॉफ्ट न्यूज है, अदरवाइज अगर फौरन लेना जरूरी है तो हार्ड न्यूज है। एक तो ये डेफिनेशन हुई, इसके अलावा भी एक डेफिनेशन है, और वो क्या, वो ये कि आम तौर पे लोगों ने बांट रखा है हार्ड न्यूज को और सॉफ्ट न्यूज को इन टर्म्स ऑफ देयर कंटेंट। शोबीज का कंटेंट है, स्पोर्ट्स वगैरह है, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स और मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के अलावा जो कुछ है, शोबीज की है, एंटरटेनमेंट की है, ह्यूमन इंटरेस्ट है, ये सॉफ्ट न्यूज है। और जो ये पॉलिटिक्स, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स खासतौर से, यानी पॉलिटिक्स एंड मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, फॉरेन पॉलिसी है, यानी पॉलिटिक्स की भारी भारी चीजें, उसके बाद इकोनॉमी की भारी भारी चीजें, स्टॉक मार्केट है, कैश, रुपी की वैल्यू, रुपी का क्या वैल्यू है डॉलर के साथ, पैरिटी क्या चल रही है, या इकोनॉमी की बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें, इश्यूज,
बजट का क्या होगा, बजट बैलेंस्ड आएगा बैलेंस नहीं होगा, या टैक्स ज्यादा लगा दिए जाएंगे, या हुकूमत में करप्शन के मामलात हैं, करप्शन के नए केसेस आ गए सामने, या सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया बयान दे दिया है, ये सब भारी भरकम मेन स्ट्रीम इशू हैं जो कि आम तौर पे मेन स्ट्रीम सीरियस न्यूज़पेपर्स में कवर होते हैं। तो अगर टॉपिक इनसे मुताल्लिक है तो ये हार्ड न्यूज़ है, मगर अगर खबर जो है वो इन चीज़ों के मुताल्लिक है जो कि ज़्यादा तौर पे लोग क्या है सीरियसली नहीं लेते शोबिज, क्या ये कि यूँ कहें कि जो सीरियस न्यूज़पेपर के रीडर्स हैं वो ज़्यादा अहमियत जिन चीज़ों को नहीं देते, जैसे शोबिज है, हरिवीर सिंह का गाना है, या ये कि सुशांत की सुसाइड के ऊपर कोई डिबेट है, सर्वे है सुशांत की डेथ के ऊपर, या ये कि कोई जावेद मियांदाद के फरमुदात हैं इंजमामुल हक ने यूं फरमाया और शबनम पाकिस्तान आ रही है बांग्लादेश से, और नदीम जो है वो रिटायर हो ही गए हैं अब तो बिल्कुल ही बहुत ही उनकी बुरी हालत है, ये सॉफ्ट न्यूज हो जाएगा। सारा का सारा शोबिज, सारा का सारा एंटरटेनमेंट, यानी जिन चीज़ों को हम अपनी जिंदगी में ज़्यादा अहमियत नहीं देते, अनयूजुअल खबरें, एंटरटेनमेंट से मुतालिक खबरें, ये तो एक पैमाना ये है कि जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हार्ड माना जाए, और जिसको कह हो सकता है स्पोर्ट्स किसी के लिए ज़्यादा है वो, और वो खरीदता ही अखबार जो है स्पोर्ट्स के लिए, मगर आम तौर पे मेन स्ट्रीम में इसी तरह से डिफाइन किया जाता है कि जो मेन स्ट्रीम इश्यूज हैं पॉलिटिक्स के और उसके पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के, वो मेन स्ट्रीम इश्यूज जो हैं जो कि ज़्यादा अहम समझे जाते हैं अखबारों में, वो उन चीज़ों से मुताबिक कोई खबर जो है वो हार्ड न्यूज होगी, और जो बाकी इशूज़ हैं एंटरटेनमेंट है, शोबिज है, लाइफ स्टाइल है, ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स नहीं ह्यूमन इंटरेस्ट, तो ये चीज़ें ज़्यादा कम अहमियत समझी जाती हैं, इनकी अहमियत ज़रा कम है मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के मुकाबले में आम तौर पे, तो इसको सॉफ्ट न्यूज़ कहा जाता है क्योंकि दो तरीके से डिफाइन होता है। तो इसीलिए हार्ड न्यूज़ में भी मुझे लिखना पड़ा कि मोस्टली बेस्ड ऑन इवेंट्स अर्जेंसी इमीडिएटली अटैच टू द रिपोर्ट रिलेटेड टू मेन स्ट्रीम सेक्टर्स और टॉपिक्स such as politics and economy. So politics और economy के बारे में क्योंकि मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट समझे जाते हैं, मेन स्ट्रीम मामला समझे जाते हैं, तो ये हार्ड हो गया। और सॉफ्ट क्या है कि आखिरी वाला सी जो है बेस्ड ऑन ओपिनियंस और सेंटिमेंट्स या रिलेटेड टू सेक्टर्स टॉपिक्स दैट आर कंसिडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट लाइक शोबिज और स्पोर्ट्स। तो शोबिज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ये जो है ना इनको सॉफ्ट न्यूज माना जाएगा। तो ये दो तीन वो है तरीके इनको मुमताज करने के, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ न्यूज। तो ये इस तरह से समझ लें देर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूज आइटम न्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, इन वन टाइप इन वन टाइप वन टाइप सॉरी न्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, one is called hard news, the second is called soft news, and all mainstream topics, mainstream issues like economy and politics are hard news, and those about showbiz and human interest and sports are called soft. ek to ye definition hai, dusri definition ye hogi jo when wali hai ki wahan when all those stories which have to be which have to be published without any delay, all those news items, all those news items which have to be published today or as soon as possible are hard news, and if a report has a particular shelf life of 2-3 days and which can be used later and not today, ये दो किस्म की डेफिनेशन होगी इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। मेन स्ट्रीम टॉपिक है कि
साइड के और टॉपिक्स हैं, और दूसरा ये कि वो एज सून एज पॉसिबल पब्लिश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये दो किस्म के जो है वो हमारे पास वो है पैमाने जिससे कि होता है कि वो हार्ड है कि सॉफ्ट है। मुझे उम्मीद है कि ये भी टॉपिक आपकी समझ में आया होगा, और ऑब्वियसली अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है वो हमें सवाल इरसाल करें और हम जो है। बहुत बहुत शुक्रिया। निजामुद्दीन सैनी है।